Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए अल्ट्रा ओएस का जो ऑफिशियल एंड्रॉइड 12.1 का जो बिल्ट है अवेलेबल है, एंड यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर अल्ट्रा ओएस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, पर जो है अल्ट्रा ओएस के साथ जो है क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है उसके बारे में ये वीडियो है। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर हमने जो है अल्ट्रा ओएस का जो ऑफिशियल बिल्ट है इंस्टॉल किया है, यहाँ पर एंड्रॉइड 12.1 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड्रॉइड 12.1 का जो स्टार एक है ऐड किया गया है, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए अल्ट्रा ओएस का जो ऑफिशियल बिल्ड है अवेलेबल है, यहाँ पर लेटेस्ट 5th जून का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, प्लस 4.14 कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है, यहाँ पर एज बिल्ड है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। सबसे पहले बात कर लेते पर अल्ट्रा ओएस के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, यहाँ पर जो ब्लर यूआई का ऑप्शन से ऐड किया गया है कुछ इस तरह से, जो है सिस्टम यूआई के ऊपर जो है ब्लर को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में तो पर वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है कुछ इस तरह से, यानी पर जो एक्सपेंड वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है ऐड किया गया है, तो ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के ऊपर जो है वॉल्यूम पैनल को एक्सपेंड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर नेटवर्क ट्राफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ, एंड यहाँ पर एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, क्विक अनलॉक का ऑप्शन है, प्लस जो है वाईफाई एंड ब्लूटूथ के ऊपर जो है टाइम आउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ के ऊपर जो है टाइम आउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ टाइम आउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है कुछ टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ जो है ऑफ हो जाएगा, वाईफाई जो है बंद हो जाएगा, यहाँ पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ का जो टाइम आउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस पर ब्राइटनेस स्लाइडर कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर पावर मेनू का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ जो है इस रोम के साथ पावर मेनू का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। मुझे क्विक सीरीज पैनल का जो यूआई है देने को मिलता है, एंड ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम कर जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। Pixel 6 Pro डिवाइस की तरह Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो है लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर जो है इसी ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। ये जो फीचर काफी यूजफुल फीचर है, सिंपली इस ऑप्शन को यूज करके आप जल्दी से यहाँ पर जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर पावर बटन का जो ऑप्शन से इसे डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2 बटन नेविगेशन 3 बटन नेविगेशन, यहाँ पर जो गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, सिंपली यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो यहाँ पर असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट और बात कर लेते वन हैंडेड मोड के बारे में, यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से एनेबल कर सकते हो, यहाँ पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जो वॉल्यूम की इसके साथ गानों को स्किप कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गानों को स्किप कर सकते हो, पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर पावर बटन को डबल प्रेस करके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस पावर बटन का जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर फोन को ऑफ करके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, या पर सिंपली अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो है आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके और पावर बटन को डबल प्रेस करके फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, बच्चे टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, या पर एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है पर पावर मेनू के ऊपर जो है रिकवरी बूटलोडर को बूट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर सिस्टम यूआई को रिबूट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डार्क थीम प्लस यहाँ पर लाइट थीम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, यहाँ पर पावर मेनू के साथ जो लाइट थीम का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है इसे
एनेबल करने के बाद सिंपली आप सर्च बार में डबल टैप करके डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। या पर वॉल्यूम कीज के साथ जो फोन को वेक अप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में, यहाँ पर इस बिल्ड के साथ लोकेशन का जो आपसे काम कट जाएगा, यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है, एंड्रॉइड 12 रन के साथ जो प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था, पर प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड एज बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो सिंपली इस रोम को फ्लैश करने के टाइम यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस पर अनलॉक हो जाएगा, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा काफी फास्ट एंड एक्यूरेट, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलेगा। यहाँ पर रैपल एनिमेशन को ऐड किया गया है, यहाँ पर फोन को अनलॉक करने के टाइम जो है रैपल एनिमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड यहाँ पर जो है ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी सीरीज के बारे में, एक्सेसिबिलिटी सीरीज के साथ आप नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर जो है वॉलपेपर कलर बेसिक कलर का ऑप्शन है, पर जो डार्क मोड का ऑप्शन है, पर थीम आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर ऐप ग्रिड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 के साथ जो है वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मॉनेंट यूआई का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो हाइलाइटिंग फीचर है मॉनेंट यूआई का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डिस्प्ले के ऊपर मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी पर जो लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है, पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नाउ प्लिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ। यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को अगर यूज करो तो थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा। यहाँ पर डबल टैप टू चेक फोन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली डबल टैप करके टाइम एंड नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, यहाँ पर वेकअप ऑन गेस्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली आप जो है लॉक स्क्रीन में डबल टैप करके डिवाइस जो है स्लिप ऑन में चला जाएगा, पर जो है डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस जो नाइट लाइट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, जो है नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन है, स्मूथ डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस से बचे ब्लर का ऑप्शन, इसे आप चाहते हैं पर बंद कर सकते हो, पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर डबल टैप करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। बचे डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर प्लस फुल स्क्रीन एप्स का ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के ऊपर जो इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बैटरी एस्टिमेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर मॉनिटर कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर एक्यूरेट शेड का ऑप्शन है। प्लस सर्च बार आइटम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सर्च बार के ऊपर कौन कौन से आइकन को शो करना चाहते हो इसके लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का ऑप्शन है, 4G आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डेटा डिजेबल आइकन को ऐड किया गया है, माइक कैमरा लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर क्विक सीरीज कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, वाइब्रेट ऑन टच का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस फोन के साथ जो है एज लाइटिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एज लाइटिंग के ऊपर जो है इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर क्विक सीरीज क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं साउंड के बारे में, यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइव
कैप्शन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। रेपिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। या पर नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से काम करता है। या पर स्मार्ट पॉज का ऑप्शन है ऐड किया गया है। रेपिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो स्मार्ट पॉज नाउ प्लेइंग लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, या पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। रिंगटंग वाइब्रेशन पैटर्न का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस मुझे कस्टम रिंगटंग वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है। या पर डॉल्बी एटमोस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, या पर मोटो का जो डॉल्बी एटमोस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। या पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, टच वाइब्रेशन, टच साउंड का ऑप्शन है, पार्ट अप वॉल्यूम कंट्रोल। या पर चार्जिंग वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। या पर स्क्रीन शॉट का जो साउंड है ऐसे बंद कर सकते हो। प्लस यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन से वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है, इसे ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन है ऐड किया गया है। हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एमआई का जो साउंड एनहाइजर है पर काम कर जाएगा। प्लस हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। ना बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। यहाँ पर काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी चार्जिंग लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इनेबल बैटरी लाइट का ऑप्शन है, बैटरी लाइट वेन चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर ब्लिंग लाइट ऑन लो बैटरी का ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर लगभग 120 हर्ट्ज के साथ जो है यहाँ पर 5 आवर से 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 60 हर्ट्ज के साथ जो लगभग 7-8 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। डिपेंड करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो। ओवरऑल बैटरी बैकअप जो है काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन के ऊपर जो है इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करते हैं, पर वाईफाई काम करेगा। यहाँ पर ब्लर यूआई का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ब्लूटूथ काम करते हैं, फ्लैश लाइट पर काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ जो है यहाँ पर वायरलेस हेडफोन को हमने ट्राई किया है, यहाँ पर ब्लूटूथ काम करते हैं, प्लस हॉटस्पॉट भी काम कर जाएगा। वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को आप एक से यूज कर सकते हो। यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, पर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करते हैं, पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम करते हैं, प्लस यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर जो ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर बात करें पर कैमरा टेप आई के बारे में, यहाँ पर कैमरा टेप आई के साथ जो है लेवल 3 का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर जी कैम काम कर जाएगा, गूगल कैमरा पर काम करते हैं, पर कैमरा टेप आई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर कैमरा गो भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। जी कैम गो भी काम करते हैं इस बिल्ड के साथ, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1114 का स्कोर है। रेपिनो 10 प्रो डिवाइस के साथ जो है 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1114 का स्कोर है। यहाँ पर गिगबेंच 5 के साथ जो है 5-5 सिंगल कोर पर जो है 1518 का स्कोर है। मल्टीपल के साथ गिगबेंच 5.4.4 के साथ यहाँ पर काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। लगभग 5 मिनट के लिए सीपीयू 13 टेस्ट जो हमने रन किया था, मैक्स गया है 158, एवरेज 136, मिनिमम है 124। यहाँ पर 83% का सीपीयू थोड़ा देने को मिल गया है, मैक्स सीपीयू गया है पर 2.30 गीगाहर्ट्ज़ तक। कुछ इस तरह से इस रैम के साथ जो है परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर रैम मैनेजमेंट के बारे में, काफी बढ़िया रैम मैनेजमेंट देने को मिलता है इस बिल्ड के साथ। एंड ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड्रॉइड 12 के साथ। ना बात कर लेते इस रैम को किस तरह से फ्लैश करना होगा रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। अगर आप नहीं जानते किस तरह से कस्टम रॉम को फ्लैश करते हैं, आप सिंपली रेपिनो 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस वीडियो के दौरान भी हम यहाँ पर कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो रॉम इस रॉम को इंस्टॉल करने वाले हैं रेपिनो 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले आपके डिवाइस को जो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, या पर लेटेस्ट कस्टम रिकवरी TWRP और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिंपली रेपिनो 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके किस तरह से रेपिनो 10 प्रो डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं उस वीडियो को आप चेकआउट करके देख सकते हो।
या फिर सिंपली लेटेस्ट कस्टम रिकॉर्ड के साथ जिस रॉम को फ्लैश करना होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। एंड यहाँ पर कस्टम रिकॉर्ड को बूट करने से पहले यहाँ स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। अगर आप लेटेस्ट TWRP रिकवरी का जो बिल्ड है अगर आप यूज करोगे तो आप जो सिंपली स्क्रीन लॉक को रिमूव करे भी ना, क्योंकि बच्चे एंड्रॉइड 12 का जो इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट है देने को मिल जाएगा TWRP रिकवरी के साथ। लेटेस्ट TWRP रिकवरी के साथ जो है एंड्रॉइड 12 का जो इंक्रिप्शन का सपोर्ट है ऐड किया गया है। सिंपली बच्चे कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो जो सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप बच्चे कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। सिंपली बच्चे कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं, यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर एडवांस रिबूट के साथ जो है कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद यहाँ पर बैकअप में जाके कारियन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रिस्टोर भी कर पाओगे। सिंपली बैकअप क्रिएट करने के बाद वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैश, ये जो तीन ऑप्शन है सेलेक्ट करना होगा। इस तीन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर अपनी रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा, स्वाइप करके फ्लैश करना होगा। यहाँ पर रॉम फ्लैश होने में लगभग 5-10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा में जाके ये स्टेप करना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करने से इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा। सिंपली फॉर्मेट डेटा करने के बाद फिर से बैक आके रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5-10 मिनट के आसपास टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपको सिंपली रॉम बूट होने के बाद रॉम को सेटअप करना होगा। इस तरह से आप जो है कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो रेबोनो 10 प्रो रेबोनो 10 प्रो मैक्स डिवाइस के साथ। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो आप सिंपली रेबोनो 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके डिफरेंट डिफरेंट कस्टम रॉम का जो वीडियो उसे भी आप चेकआउट करके देखो। या पर इस रॉम के साथ जो है ब्लर यूआई का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ब्लर यूआई का जो यूआई देने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लर यूआई का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल के ऊपर जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलेगा। पर जो एक्सपेंड वॉल्यूम पैनल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, एडाप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है, क्विक अनलॉक का ऐड किया गया है। यहाँ पर ब्लूटूथ एंड वाईफाई का जो टाइम आउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है एंड बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। आप डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखना। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।